हेलो एवरीवन मनीष क्लब सीबीडीटी ने रिवाइज टीडीएस रेट नोटिफाई कर दिया है प्रपोज किए गए नोटिफाई कर दिया है सीबीडीटी ने और ये जो भी है रिवाइज टीडीएस रेट वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी इस वीडियो में हम uh, वो सारे टी रेट देखेंगे जो चेंज uh, हुए हैं ये चार्ट है टी का इनकम टैक्स का तो ये सारे टी डी पर्सन के लिए है जो अदर देन कंपनी है उनके लिए फर्स्ट जो चेंजेस है अंडर सेक्शन वन नाइन्टी जो पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एल पॉलिसी के ऊपर जो टी लगते हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं टिल सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी का रेट है जो कि फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी से टू इसका इसको कर दिया है सेक्शन वन जी के अंदर कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट लॉटरी टिकट के ऊपर जो कमीशन बनता है उसके ऊपर जो टीडीएस लगते हैं अर्लियर वो फाइव परसेंट का था फाइव परसेंट का था जिसको अभी टू परसेंट किया गया है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वन नाइनटी फोर एज कमीशन एंड ब्रोकरेज के ऊपर फाइव परसेंट का रेट था उसको भी टू परसेंट किया गया है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये डिटेल चार्ट आप डिस्क्रिप्शन से आ, चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ये चार्ट एक्सेस कर सकते हैं देन जो नेक्स्ट चेंजेस है वो है अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आई बी फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट बाई इंडिविजुअल और एच यू एफ नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट जिनको टैक्स ऑडिट नहीं आता है और वो रेंट पे करते हैं कोई तो इंडिविजुअल एच यू एफ उसके ऊपर फाइव परसेंट का रेट था उसको टू परसेंट किया गया है सेक्शन 194 एम के अंदर चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 194 एम है फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन जो इंश्योरेंस कमीशन इसमें कवर नहीं होता है ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस बाई इंडिविजुअल और एच जो कवर नहीं होते हैं अंडर सेक्शन 194 नाइन्टी सी वन एच वन जे के अंदर कवर नहीं होते हैं और इंडिविजुअल और एच ये सारे सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो उसके उनके ऊपर 5 परसेंट का रेट था जिसको 2 परसेंट किया गया है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर 194 ओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो तो टी लगता था वन का वो अभी जीरो लगेगा फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी देन ये सारे रेट है uh, जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया में उनके लिए सारे टी डी एस रेट एप्लीकेबल है नाउ कंपनी के केस में जो चेंजेस है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के केस में भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर टी डी एस रेट फाइव परसेंट का था उसको टू परसेंट किया है नाइन्टी फोर जी के अंदर कमीशन ऑन लॉटरी टिकट वो कंपनी uh, के केसेस में भी फाइव परसेंट से टू परसेंट किया गया फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नाइन्टी फोर एच ब्रोकरेज एंड कमीशन भी फाइव uh, परसेंट से टू परसेंट किया गया है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर देन नाइन्टी फोर एम के अंदर फाइव परसेंट से टू परसेंट किया गया है नाइन्टी फोर ओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर वन परसेंट था जो जीरो पॉइंट वन परसेंट किया गया फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर तो जो नॉन कंपनी के लिए है वो कंपनी के लिए भी रेट टी डी एस रेट चेंज किए गए जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उनके लिए ये चेंजेस है कमीशन ऑन लॉटरी टिकट फाइव परसेंट से टू परसेंट किया है तो जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसके लिए आ, सिर्फ ये कमीशन ऑन लॉटरी टिकट के ऊपर जो चेंजेस है वो इनको एप्लीकेबल है बाकी जो नॉन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी है उसके लिए आ, दोनों के लिए सेम टी डी रेट में चेंजेस है वो उनको एप्लीकेबल होगा आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग